हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अंतिम प्रहार की सीरीज ले आया हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है इंटरनेशनल सेगमेंटेशन और द टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। अब ये इंटरनेशनल सेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन से है ना, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल अपना मार्केट है इसको डिवाइड करने से है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, डिवाइड करना। अब ये डिवाइड क्यों करना होता है सर मार्केट को, मार्केट को हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने टारगेट कस्टमर को पता लगा सकें, हम पता लगा सकें कि कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और किस टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। मान लो कि कोई एज ग्रुप वाइज मैंने इनकम ग्रुप वाइज डिवाइड करा कि लेविश पीपल, मिडिल, अपर मिडिल क्लास, लोअर और बीपीएल कैटेगरी। तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट रखी 2.5 लाख रुपए। मान लो कि वो एप्पल के कोई फोन की कॉस्ट आई है 2.5 लाख रुपए, उसकी सेलिंग प्राइस रखी है, तो वो किसके लिए जाएगा, अपर मिडिल क्लास और एविश क्लास के लिए जाएगा। तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए उस कंट्री में कितने अपर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। अगर मैं उस कंट्री में चला जाऊं जैसे सोमालिया में चला गया तो वहां पर इसकी सेल होने की संभावना कम है ना, वहां पर इसकी सेल होने की संभावना कम है। इथियोपिया चला गया, सेल होने की प्रोबेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू यूएसए, एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू रशिया। ठीक है, तो गेटिंग माई पॉइंट, सो वाई वी डिवाइड द मार्केट फॉर नोइंग अवर टारगेट कस्टमर कि कितने हैं, क्या उनका एक्चुअल परसेंटेज है। इसलिए अपन क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं अपने टारगेट कस्टमर को हिट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को डाइवर्सिफिकेट करते हैं, इसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब सेगमेंटेशन जब किया जाता है तो नेशनल और इंटरनेशनल रूल तो सेम है लेकिन बुक के अंदर थोड़े अलग दिखे हुए हैं। बुक के अंदर लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल बेस्ड सेगमेंटेशन। अब ज्योग्राफिकल बेस्ड सेगमेंटेशन का मतलब उनकी भौगोलिक अवस्थाओं के आधार पर उनका सेगमेंटेशन करना, मींस के लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी कंट्री है, कितने सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज हैं उसके अंदर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग कौन उनकी नेबरहुड कंट्रीज हैं, सी कंट्री है कि लैंडलॉक है या मिड है, जैसे कि सी भी है और लैंडलॉक भी है, कौन सी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ने पूरे एक देश को अलग रखा, क्यों, क्योंकि यहां पर बड़े परसेप्शन में बात हो रही है। जब मैं इंटरनेशनल सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ज्योग्राफी वाइज बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मरीन इकोलॉजी के लिए मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, हमारी कंपनी शिप्स बनाती है, तो शिप्स क्या अफगानिस्तान में बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्यों, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है। उस शिप को बिकने के लिए हमको उस कंट्री की आवश्यकता है जहां पर सी टच होता हो, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, इन कंट्रीज में टच होगा। अगला आ जाता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक इश्यू क्या होते हैं, जैसे कि कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, एज, जेंडर, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वो डेमोग्राफिक इश्यूज में आ जाता है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं मेरे नेशन को, जैसे कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, तो ये चारों को डिवाइड क्यों करा जा रहा है, कभी ये सोचा, ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा टारगेट ऑडियंस पता चले। अब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर फ्राइडे का ऑफ रहता है, वहाँ का वर्क कल्चर फ्राइडे का है, वहाँ पर आप सोच सकते हैं परफ्यूम का सेलिंग ज़्यादा होती है। नॉर्मली मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्रीज में परफ्यूम की सेलिंग ज़्यादा होती है, इंडिया में भी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर इंडिया आएगा वहाँ पर अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक का मिक्सचर चलेगा, ठीक है। अगर स्पेन वगैरह चले गए तो वहाँ तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, जर्मनी में अल्कोहलिक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम हमारे टारगेट ऑडियंस का पता लगा सके। तो दैट इज द सेकंड बेसिस। एक तो ज्योग्राफिक पे अपन कर सकते हैं, एक डेमोग्राफिक। थर्ड है ओकेजन पे। ओकेजन तो वैसे कह नहीं सकते कि कौन सा प्रोडक्ट कब बाय करना है, जैसे कि इंडियंस जो है वो दिवाली पे बाय करेंगे, है ना, कोई लोग ईद पे बाय करेंगे, जैसे कि मुस्लिम है वो ईद पे बाय करेंगे, क्रिश्चियंस जो है वो क्रिसमस पे बाय करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटी, तो ये भी डेमोग्राफिक का ही रूप है। ये तीन तो आपको लिखने ही है। इसके अलावा इनकम बेस पे अपन कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को डिवाइस, कि हाई पर कैपिटल इनकम, लो पर कैपिटल इनकम, पावर्टी के बेस पे कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे कर सकते हैं, है ना, पॉपुलेशन के बेस पे अपन मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट भी है हमारे पास, ठीक है। तो अपन पॉपुलेशन के बेस पे कर सकते हैं, इनकम के बेस पे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे कर सकते हैं, ज्योग्राफी के बेस पे कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेस पे कर सकते हैं। पांच बेस मैंने बता दिया, ओकेजनल इस बुक का है वो भी लिख देना, छह बेस हो गए। इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मार्केट सेगमेंटेशन। लगभग रिपीटेटिव क्वेश्चन आया है, मैंने देखा एग्जाम में, कल भी आपको शायद देखने को मिल जाए। फिर भी बेस्ट ऑफ लक है आपको, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ईजी पेपर है, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।